हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्योत्सना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्जी ड्राई फॉर्म। जैसे आलू उबाल के छौंकते हैं, ऐसे ही मैं अरबी उबाल के कैसे छौंकते हैं वो बताऊंगी। बहुत ही सिंपल और सरल सब्जी है, इसे रसे वाली भी बना सकते हैं। इसे डायरेक्ट कच्चा काट के छील के वैसे भी बनाया जाता है, इसे तल के भी बनाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, बट मेरा बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। तो आइए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए, हमने 1 किलो अरबी ली है। यहाँ पर ये अरबी ऐसे दिखती है। इसे बहुत सारे पानी में धोया जाता है, टैप वाटर के नीचे बहुत अच्छे से एकदम क्लीन करना है, और इसके बाद इसे उबालना है। मैं कुकर में उबालूंगी, आप बाहर ओपन पतीले में भी उबाल सकते हो। तो इस तरह मैंने एकदम अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। एकदम बहुत रेशा मट्टी वगैरह बहुत रहता है इसमें, तो इसको बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने उबाल भी लिया। उबालते वक्त मैंने 2 सीटी ली थी कुकर में हाई फ्लेम पर, और स्लो करके 5 मिनट पकने दिया था। अब हम छीलेंगे इसे। सारी अरबी का पहले छिलका उतार लीजिए। अच्छे से छिलका उतारने के बाद इसे मीडियम साइज का कट करना है। ये देखिए, मैंने छिलका उतार लिया है। अब इसे मीडियम साइज में, आपको मैंने सर्कल में कट किया है, आप लंबा छोटा बड़ा कोई भी साइज के टुकड़े काट सकते हो। इस तरह हम सारे पीसेस कर लेंगे। ये पीसेस कर लिए हमने, अब इसे हम छौकेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, और बहुत सिंपल घर के मसालों में मैं छौकूंगी। ये देखिए, ये जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये मैंने बारीक अदरक चॉप करके लिया है, ये हरी मिर्ची, 4 हरी मिर्च बारीक फाइन कट करके ली है, अदरक भी 1.5 इंच टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा था, ये धनिया पत्ता 2-3 चम्मच बारीक चॉप करके लिया है, 8-10 कड़ी पत्ता है, ये कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, नमक, और ये 1 छोटा नींबू का रस निकाल के ले लिया है बस। और ऑफकोर्स राई, जीरा और हींग तो डालेंगे ही छौंक में। ये एक कढ़ाया में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसे गरम करने रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे राई और जीरा, तो 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा ले लेंगे, और इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। अब इसे फ्राई होने देंगे, राई चटक जाएगी, जीरा भी थोड़ा हल्का हल्का रेड हो जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची और अदरक। अदरक मैंने फाइनली चॉप किया है, हरी मिर्ची भी आप कम ज़्यादा ले सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। यहाँ मैंने 4 पीस लिए थे हरी मिर्ची के, इसको बारीक चॉप करके लिए। ये देखिए, अदरक भी मैंने लिया है। अच्छा, यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते हो, बट मैं इसमें लहसुन नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। इसे अच्छे से चला लिया, फ्लेम एकदम अभी मैंने स्लो कर दी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है। अब इमीडिएटली हम अरबी ऐड कर देंगे, नहीं तो मसाले सारे जल जाएंगे। ये देखिए, ये अरबी ऐड कर दी, इसे हल्का हल्का चला के अब बाकी के मसाले हम ऐड करेंगे। फ्लेम एकदम स्लो है, सिर्फ राई चटकने तक थोड़ी सी मीडियम फ्लेम थी, अब मैंने एकदम स्लो कर दी है। अब सारे अरे मैंने बीच में कड़ी पत्ता डाल दिया, वो मैं बताना भूल गई हूँ। अब ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखा नहीं होगा, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये 1.5 टीस्पून मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नींबू का रस, 1 छोटा सा नींबू था उसका नींबू का रस ले लिया था मैंने, और नमक, 1 टीस्पून लिया है मैंने, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिए। इसके लिए 1 टीस्पून इनफ है। अब मैं चला रही हूँ, अच्छे से एकदम चला के इसे ढककर 2 मिनट पहले पकने दीजिए, फिर वापस चलाना है, फिर वापस 2-3 मिनट ढककर पकने देना है। इस तरह करना है, क्योंकि मसाले एकदम ड्राई है और ये अरबी की सब्जी भी हमारी एकदम ड्राई बनने वाली है। तो 2-2 मिनट के बाद ढककर इसे पकाना है, 2-2 मिनट के बाद खोल खोल के इसे चलाना है।
देखिए दो मिनट हो गई है। अच्छा, ये ढककर जब पका रही थी मैं, तब मैंने फ्लेम थोड़ी मीडियम कर दी थी, मतलब लो से मीडियम की तरफ की थी। तो क्या होता है, ये देखिए अरबी कैसे नीचे की तरफ से क्रिस्पी क्रिस्पी भी होती जाएगी और मसाले भी पकते जाएंगे। तो ये 2 मिनट के बाद मैं चला रही हूँ, अब वापस मैं ढक के पकने दूंगी और वापस 2-3 मिनट इसी तरह वो ढककर पकने दूंगी, तो अरबी पे सारे मसाले कोट भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो इस तरह बीच बीच में चलाते रहेंगे 2-2 मिनट में। तो इस तरह अच्छे से, ये देखिए 3 मिनट वापस हो गई है, तो हमने 5 मिनट टोटल इस तरह पका लिया है अरबी को। पकी हुई तो थी, सिर्फ मसाले पकाने थे और सारे मसाले इसके ऊपर कोट करने थे। तो ये हो गई है हमारी सब्जी रेडी। और ये देखिए अरबी भी नीचे की तरफ से जहाँ सिकती है वो देखिए कितनी क्रिस्पी, और ये मैं बता रही हूँ ना चम्मच से, कितनी क्रिस्पी और करारी हो जाती है। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है ये, बहुत सिंपल और टेस्टी है ये सब्जी। अब इसमें मैं 2-3 चम्मच जो धनिया पत्ता काट के रखा था वो ऐड करूंगी और फ्लेम बंद, अभी इसे मिक्स करके सर्व करना है। बस हो गई ना अपनी एकदम सिंपल अरबी की सब्जी तैयार। ना ज्यादा मसालों की जरूरत है, ना कोई मैंने बड़ा प्रोसीजर किया है, इसमें सिर्फ उबाल के छौंका है जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं, बस वही तरीका है। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसे हम पराठों के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, नान ले सकते हैं इसके साथ। और इस ये जब हम रोटी या पूड़ी के साथ खाते हैं तो साइड में इस दही भी लेना, अरबी के साथ दही का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह बना के देखिए ये सब्जी, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।